नर्वस हैं? है यस मैम, यस सर। थोड़ा ज्यादा, आप ज्यादा नर्वस हैं, मुझे मैडम कह रहे हैं। कि एवरी ईयर दे अपग्रेड, जैसे आपका मोबाइल फोन हर एक चीज साल के बाद अपग्रेड होती है, वैसे ये भी ये स्टेज, ये प्लेटफॉर्म अपग्रेड होता जा रहा है। ये मेरे को एक्चुअली मेरे को ये फिश वाला गेटअप दिया हुआ है, जो फिश होती है ना उसका ही, मतलब मेरे को लिप्स भी उसका ही कलर किया और मेरे हेयर भी वैसे तो, और मेरे को एक फिश वाला गेटअप दिया हुआ है। बहुत खुश किस्मत हूँ कि जम्मू ने मुझे बुलाया, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, वेरी वेरी हैप्पी। सबसे हटकर लग रही थी। थैंक यू। ये आपने खुद चूज किया या आपके हिस्से में आ गया ये? जी मेरे हिस्से में आ गया। NIST बहुत अच्छा मौका दे रही है और काफी लड़कियां, इस बार भी बहुत लड़कियां नहीं आई हैं यहाँ पर और अगली बार भी काफी नई लड़कियां आएंगी, आई होप। भी नहीं, हम तो इसी कोशिश में हैं कि ये कुछ दिनों का हो, घंटों का भी नहीं हो, कुछ दिनों का हो। अगर आप सबका साथ रहा तो बहुत जल्दी ये एक दिन का नहीं होगा, 2 या 3 दिन का फैशन वीक होगा। जो भी लड़कियां मुझे देख रही हो, प्लीज आप यहाँ आके एक बार जरूर ट्राई करें अपना लक, ठीक है? आप कहीं से कहीं भी पहुँच सकती हैं। NIST मोस्ट अवार्डेड मेकअप एंड फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ J&K, NIST season 9 होस्ट करने जा रहा है, चल रहा है अंदर फैशन शो, और पता नहीं कितने ऐसे मॉडल होंगे, कितने ऐसे मेकअप आर्टिस्ट होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जिनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा चुका है और कितनों को आने वाले दिनों में करवाने जा रहा है। ये चकाचौंध, ये दुनिया शायद पहले मेट्रो सिटीज का हिस्सा हुआ करती थी, जम्मू इसके बारे में सोचता भी नहीं था, लेकिन आज ये सब जम्मू में हो रहा है, उसके पीछे कारण है NIST। आइए हम कुछ झलकियां दिखाते हैं इस फैशन शो की आपको, आप भी देखकर हैरान हो जाओगे कि वास्तव में आप जम्मू में ही हो। क्या करती है मॉडलिंग के अलावा? सर मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ NIST में, बड़ी ब्राह्मणा इंस्टीट्यूट में, एज ए फैशन डिजाइनर एंड मेकअप आर्टिस्ट। NIST ने आपको इतना मजबूत कर दिया, आप फैशन डिजाइनर भी कर रहे हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, आप मॉडल भी हैं। जी सर। तो आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी कहीं और मिल सकती थी? मैं भी सर नहीं मिल सकती थी, मतलब मुझे लगता है जहाँ तक कि यहाँ मैं जिस भी रेफरेंस के थ्रू आई, मतलब वो मेरे लिए गॉड से कम नहीं है, ठीक है? कि आज मैं मॉडलिंग भी कर रही हूँ, हो सकता है कि कहीं मैंने शादी कर ली होती, अगर मैं नहीं आई होती तो पेरेंट्स करवा देते, है ना? अभी मैं मॉडलिंग कर रही हूँ और मेरे पेरेंट्स भी बाहर हैं, दोनों मामा पापा देख रहे हैं, खुश हैं वो भी, एंड मेरी कज़न भी आए हुए हैं, सारे देख रहे हैं। तो ड्रेस आपने पहनी है, ये NIST ने पूरी डिजाइन की है, बनाई है? जी सर, ये NIST के स्टूडेंट ने डिज़ाइन करी है। जो मेरा आई मेकअप है ना, सबको लग रहा था कि ये मतलब अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, बट मुझे कहा, मैंने कहा कि मुझे खुद में सेटिस्फेक्शन है, मुझे खुद में अच्छा लग रहा है, दैट्स इट। वो तो, सब लोग झूठ बोल रहे थे। हाँ, सब ये प्रूफ हो गया कि सब झूठ बोल रहे थे, कि सब इनका कमाल है। आपने इनको तैयार किया, क्या नाम है आपका? कशिश गुप्ता। कशिश जी, आप NIST की स्टूडेंट हैं? जी सर। NIST उधमपुर। NIST उधमपुर जो ब्रांच है वहाँ की स्टूडेंट है। कितना वक्त लगा, कितनी मेहनत लगी? सर बहुत, सर मेहनत तो पूरे साल की थी, और ये सब हमारे टीचर्स का कमाल है, राघव सर और रितेश सर का। कॉन्फिडेंस डोला नहीं जब इनको बोला गया कि आप थोड़ा ओवर लग रही हैं, तो थोड़ा मायूसी नहीं हुई? बहुत ज़्यादा मायूसी, उन्होंने तो बोला कि उसे उतार दीजिए, बट मैंने अपने अंदर से कॉन्फिडेंस लाया, मेरे टीचर्स ने मुझे समझाया कि इसे ऐसे ही रहने दीजिए और जो होगा देखा जाएगा। जो हो गया देखा जाएगा। क्या हो गया? ये दो हो गए। सेकंड प्राइस। ऑल द बेस्ट। ये ड्रेस किसने डिजाइन किया आपका? ये NIST की स्टूडेंट है। लेकिन बहुत खूबसूरत ड्रेस, बहुत खूबसूरत ड्रेस। ये वापस करने का मन कर रहा है या लेके जाना कर? बिल्कुल मन नहीं है, बट उन्होंने इतनी मेहनत से बनाई है, तो उनको मतलब अपनी यादें होनी चाहिए इस ड्रेस के साथ, तो ये उनके पास ही रहेगी। आप थोड़ा अपना हेयर दिखाएंगे हमें? क्या बोलते हैं इसको, खजूरी गुत बोलते हैं? ये मेरे को एक्चुअली मेरे को ये फिश वाला गेटअप दिया हुआ है, जो फिश होती है ना उसका ही, मतलब मेरे को लिप्स भी उसका ही कलर किया और मेरे हेयर भी वैसे तो, और मेरे को एक फिश वाला गेटअप दिया हुआ है। Yeah.
जम्मू की ये शाम बहुत हसीन है। NISD ने सीजन 9th फैशन शो यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जिस हस्ती से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, इनका प्रोफाइल मैंने चेक किया, बिग बॉस 14 का हिस्सा रह चुकी हैं, एक्ट्रेस, सिंगर और सबसे बड़ी बात फिल्म फेयर अवार्ड, एक बड़े अवार्ड हैं, उसमें भी ये नॉमिनेट हो चुकी हैं। सारा जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जम्मू को यहाँ पे अपना वक्त देने के लिए। सर मैं बहुत बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जम्मू ने मुझे बुलाया, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, वेरी वेरी हैप्पी। सबसे पहला सवाल, NISD सीजन 9 करवा रहा है, बाहर हमने देखा, वो तस्वीरें देखी, वो झलक आपकी भी देखी हमने वहाँ पर, क्या कहेंगे NISD के बारे में और यहाँ के वो जो जुनून है इन लोगों में, मॉडल्स में, यहाँ के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? सर बहुत ही मेरे को, I was not expecting itna great talent. Like NISD has given such great people who are designers, makeup artists, hair stylist. You know the founder, the Manju ma'am. She is giving them such a privileged, you know, thing, and she is right here with me. जादू से मैंने बुला लिया इनको, so you know, very very congratulations, ma'am. Thank you. And you are doing wonderful, wonderful. And the kids are doing wonderful. The students are doing wonderful. और अभी तो इस सीजन 9 में मुझे मैम बता रहे थे कि हमारे पूरे ऑल ओवर JNK से लड़कियां आई हैं हु आर मॉडलिंग फॉर देम एंड दे आर ब्यूटीफुल। सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हेयर, मेकअप, मॉडलिंग और हर एक चीज को इतनी रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, सो आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड वेरी वेरी हैप्पी टू बी। सारा जी आपकी आंख पारखी है, आप बड़े शो ऐसे देखे हैं आपने, किसी पर नजर गई, किसी पर नजर रुकी, लगा कोई ऐसा इस प्लेटफॉर्म पे है जो दूर तक जाएगा, लंबी रेस का घोड़ा है? सर कभी ना किसी चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं जब भी सोचती हूँ कि इसकी आंखें बहुत अच्छी हैं या इसके बाल बहुत अच्छे हैं, इसकी चाल बहुत अच्छी है, मुझे लगता है हर एक इंसान में अपनी खुद की क्वालिटी है एंड नो बडी इज द परफेक्ट। परफेक्शन की कोई परिभाषा ही नहीं है। कैलिबर है जम्मू में? कैलिबर है सर, वो ही सबसे जरूरी है। एक कैलिबर और पैशन दो ऐसी चीजें हैं, वो पता नहीं कहाँ आपको लेके जाएंगी, कहाँ आपको लेके जाएंगी। सो आई बिलीव वो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो दो चीज़ें तो सर सब में ही है। तो वो एक इंसान ऐसा होएगा जिसको बस थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी है और जो कर लेगा, और जिसका वो किस्मत एक टाइम पे खटक जाएगी तो वो आगे निकल जाएगा। NISD इनको वो मौका दे रहा है, वो चांस दे रहा है, वो प्लेटफॉर्म दे रहा है। डेफिनेटली दे आर डूइंग इट वेरी वेल, डेफिनेटली। ट्रैवल करते रहते हो, इस तरह के शोज का हिस्सा भी रहते हो, बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर आप नजर आए थे, क्या लगा आपको मेरा जम्मू देखकर कि ये मुंबई मेट्रो सिटी से अलग है या उसकी तर्ज पे चल रहा है? सर मुझे तो उनसे भी आगे लग रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं एक बहुत ही अलग परसेप्शन बना के आई थी, बट मैं जेन्युइनली इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड आई एम सेइंग दिस, एक्चुअली में इट इज नॉट लेस देन एनी मेट्रो सिटी, इट इज चेंजिंग अ लॉट एंड इन अ वेरी पॉजिटिव वे। आरती जी आप सबसे हटकर लग रही थी, ये आपने खुद चूज किया जो आपके हिस्से में आ गया? ये जी मेरे हिस्से में आ गया। NISD ने आपके सपनों को हकीकत में बदलने का एक जिम्मेदारी ली है, वो पूरी हो रही है? जी बिल्कुल। नर्वस थे? नहीं बिल्कुल नहीं, सच बोल रहे हैं। इनफैक्ट बहुत इंजॉय किया हमने। कुछ परफॉर्मेंस कर आ गए हैं, कुछ परफॉर्म करने जा रहे हैं, ये वही ग्रुप है जो जिसका परफॉर्मेंस होने जा रहा है। आपका नाम? अष्टमी। अष्टमी? अष्टमी, बहुत ही पवित्र नाम है आपका अष्टमी, और आप बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं। तो नर्वस हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कॉन्फिडेंट है आप? हैं नर्वस? बहुत ज्यादा। NISD ने ये मौका इन लोगों को दिया है कि अपने सपनों को ये पंख लगा सकते हैं, खुला आसमान इनके लिए है। लगा ये स्टाइलिंग में हार्डली 2 hours तो लगे हैं, मतलब पूरा मेकअप होने में। पूरा मेकअप होने? हाँ जी। आप जम्मू से ही हो? हाँ जी हाँ जी। पहले भी इस तरह के फैशन का हिस्सा रह चुके? नहीं, फर्स्ट टाइम है आज। मैं बेसिकली किश्तवाड़ से हूँ पर रहती जम्मू में हूँ। किश्तवाड़ से हैं आप? हाँ जी। आप मॉडल कब से हैं? मैंने मॉडलिंग पिछले साल से स्टार्ट की थी और यहीं से मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी, मेरा पहला इवेंट इन्हीं के साथ था, NISD के साथ। हाँ जी। NISD अपॉर्चुनिटी दे रही है सर? हाँ जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कितनी सारी लड़कियां आई हैं, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी है इन लोगों ने और आई होप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो बच्चे हैं वो भी अच्छा ही करेंगे। आपको लगता है कि अगर NISD नहीं होता तो इस तरह का मौका जम्मू में तो नहीं मिलता? नहीं, NISD बहुत अच्छा मौका दे रही है और काफी लड़कियां, इस बार भी बहुत लड़कियां नहीं आई हैं यहाँ पर और अगली बार भी काफी नई लड़कियां आएंगी। पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं? पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, आप देख सकते हो कितने पेरेंट्स आए हुए हैं बाहर, अपने पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स। हाँ जी हाँ जी। NISD सेलिब्रेशन ऑफ टैलेंट सीजन 9 ये शाम अपने अंजाम तक पहुंच गई।
लेकिन शिकायत है हमें ये शाम इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गई। ये जिम्मेदार हैं लोग जिन्होंने इस शाम को इतना ज़बरदस्त, इतना जम्मू का टैलेंट, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया और उनके सपनों को पर दे दिए, एक आसमान दे दिया, खुला आसमान। NIST पता नहीं कितने इनके ऐसे ब्रांचेस हैं, यहाँ से ये टैलेंट ढूंढ कर लाते हैं, उनको एक फील्ड देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं और उसके बाद उनको उनके भविष्य पे छोड़ देते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। मैंने बड़े मॉडल से बात की बिहाइंड द स्टेज, वो कहते हैं शायद हमें इस चांस के लिए चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई या मेट्रो सिटीज में जाना पड़ता, वो आप जम्मू में लेके आ गए। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे साथ कुछ बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं, जैसे ईशा मैम जुड़ी हैं, विशाल जी जुड़े हैं, आज नेहा लोहोत्रा जी मैम जुड़ी, पीछे और हैं, आप लोग हैं, सब मीडिया। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप सब पिलर हैं, आपके बिना हम खड़े नहीं हो सकते। तो हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें जगह जगह से मिलते हैं, हर साल एक्सपेंड होता है, कुछ नया आता है, तो उसी कोशिश में लगे हुए हैं। आज मैंने देखा कि जो यहाँ परफॉर्म कर रहे थे, आपके स्टूडेंट थे, NSC स्टूडेंट थे, उनके पेरेंट्स भी साथ थे और मैंने कई पेरेंट्स की आंखों में आंसू भी देखे। शायद वो बड़े ही अभिमान के आंसू थे या अपने प्राउड के आंसू थे। देखिए क्या है कि हम सिर्फ बच्चों के पेरेंट्स को ही बुलाते हैं, ऐसा नहीं कि हमने अगर इवेंट किया तो मैं अगर इकट्ठा करना चाहूँ तो हज़ारों लोगों के इकट्ठे हो जाते हैं, बट हमारा मेन है पेरेंट्स को दिखाएं। बड़े सारे बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि इंट्रोवर्ट होते हैं, वो बोल नहीं पाते पेरेंट्स को मैं ये करना चाहती हूँ, तो ये उनको एक मौका मिलता है पेरेंट्स को दिखाएं कि मुझ में ये टैलेंट है, मैं ये कर सकती हूँ। और जो पेरेंट्स उनको कभी मना कर रहे होंगे, फिर उनकी आंखों में आंसू आते हैं, मेरी बेटी सही कह रही थी, हम गलत थे। मैम मैंने देखा यहाँ पे लेह लद्दाख, किश्तवाड़, उन अपर रीचिस से भी यहाँ पर टैलेंट आया था, परफॉर्म कर रहा था, कैसे ढूंढते हैं आप इनको? देखिए हम ढूंढते नहीं हैं, उन लोगों को ये प्लेटफॉर्म चाहिए बट उनको वो मिलता नहीं है। तो मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरे पास आए, आज मैं उनको यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म दे सकी और आज उन्होंने यहाँ परफॉर्म किया। खुद देखिए कि वहाँ की गर्ल्स के अंदर जो एटीट्यूड था, जो रैंप वॉक किया उन्होंने, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते कि लद्दाख की एक लड़की इतनी अच्छी वॉक कर सकती है। मैं खुद शॉक हो गई आज उनको देख के। कुछ शिकायतें भी हैं आपसे? हाँ जी। ये कुछ घंटों का क्यों होता है, ये लंबा क्यों नहीं चलता? जी नहीं, हम तो इसी कोशिश में है कि ये कुछ दिनों का हो, घंटों का भी नहीं हो, कुछ दिनों का हो। अगर आप सबका साथ रहा तो बहुत जल्दी ये एक दिन का नहीं होगा, दो या तीन दिन का फैशन वीक होगा। शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए। ईशा जी हैं, अगर मैं गलत हूँ मुझे रोक देना, मिसेस इंडिया यूनिवर्सल 2022, am I right? Yes, you are right. मैम क्या कहेंगे आप, इस जगह से गुजर चुके हो, कभी आप भी पार्टिसिपेंट रहे होंगे, आपने ये खिताब हासिल किया, क्या लगता है इन स्टूडेंट्स को देखकर, इन टैलेंट को देखकर क्या कहना चाहेंगे? मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और एक चीज़ मैं जो सबसे ज़रूरी कहना चाहूँगी, NISD इन स्टूडेंट्स को ट्रेन तो करता है, साल भर इनको ट्रेनिंग देते हैं, हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं, बट उनको एक स्टेज भी प्रोवाइड करते हैं एट दी एंड कि अब ये आपका स्टेज है, आप इसमें अपना टैलेंट डिस्प्ले करो, अब आपके पास पूरा फ्रीडम है, आप अपनी क्वालिटीज़ दिखाओ, जिससे आई फील इससे एक अलग लेवल का आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी रहता है हर एक कैंडिडेट, हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चे के लिए। जैसे कि आपने बोला ये कुछ घंटों का क्यों होता है, मैं इस चीज़ को काटूंगी, ये कुछ घंटों का बिल्कुल नहीं होता है, आपको इसके पीछे की मेहनत नहीं पता, ये कितने दिनों तक चलता है, इसके पीछे जो मॉडल्स की ट्रेनिंग की जाती है, हमारे जो कोरियोग्राफर हैं उनको सिखाते हैं दिन रात लगा करके, हमारे जो डिज़ाइनर्स इनके स्टूडेंट्स हैं वो कितनी मेहनत करके वो आउटफिट डिज़ाइन करते हैं, फिर उनको बनाते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। मेकअप आर्टिस्ट जो कितनी मेहनत करके अपनी क्रिएटिविटी डिस्प्ले करते हैं, ये सिर्फ आज एक दिन का काम नहीं है, ये पूरे साल भर की मेहनत होती है। ये एक कॉम्प्लीमेंट की तरह भी है कि अगर ये कुछ घंटों में खत्म हो गया, हम और देखना चाहते हैं। एग्जैक्टली। एंड जो मैंने इस बार देखा है, मैं बहुत अमेज्ड हुई हूँ, लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा था, हर साल ही बहुत अच्छा करते हैं, बट मैं ये चीज़ फिर से बोलूँगी कि एवरी ईयर दे अपग्रेड, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हर एक चीज़ साल के बाद अपग्रेड होती है, वैसे ही ये भी, ये स्टेज, ये प्लेटफॉर्म अपग्रेड होता जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको एक एज ग्रुप के लोग नहीं मिलेंगे, यहाँ आपको विडोज़ मिलेंगी, मजबूर औरतें मिलेंगी जो शायद कुछ करना चाहती हैं बट उनको मौका नहीं मिला। आई एम टेलिंग यू, ये स्टेज ऐसा है जो हर एक किसी के लिए है, हर एक बच्ची के लिए। यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ आके वॉक कर रही हैं, विच इज़ वेरी गुड।
एंड पेरेंट्स अगर इमोशनल हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं, वो ये देख के इमोशनल हो रहे हैं कि देखो हमारे बच्चे कितने कैपेबल हैं। शायद ये टेस्ट को पता ही नहीं था। यस, शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। विशाल जी हमारे साथ हैं, जम्मू की शान है, 20 साल से ये मेकअप की दुनिया में एक्सपर्ट हैं, मेकअप के मेकअप आर्टिस्ट हैं। विशाल जी क्या कहना चाहेंगे इस शो के बारे में, NISD के बारे में? NISD का तो मैं हमेशा हर बार, मैं पिछले 8 साल से इनके साथ जुड़ा हूँ, 8 साल से इनके साथ मेरा एज ए जूरी मेंबर मैं इनके साथ अटेंड करता हूँ, और मैं इनको हमेशा, इन्होंने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया है, और बच्चों को नहीं जम्मू कश्मीर को दिया है, और जो कि हम NISD का मैं इनको अप्रिसिएशन करता हूँ इस मामले में, कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि गॉड हैज़ मेक लॉट ऑफ ब्यूटी, गॉड ने तो ब्यूटी बनाई, हर एक इंसान खूबसूरत है। मेकअप का मतलब है, मेकअप इज़ डिफाइन, लेके ऐसा हम कर सकते हैं कि मेकअप एक आर्ट है, इज एन आर्ट टू ब्रिंगिंग अप द फीचर फ्रॉम द फेस विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि बच्चों को सिखाया जाता है कि प्रोडक्ट की हेल्प से आप उस इंसान की खूबसूरती को उभारो, ना कि कोई ये समझे कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। आज की टेक्नोलॉजी मेकअप में इतनी आ चुकी है, व्हेन आई स्टार्टेड मेकअप को कोई जानता नहीं था जम्मू में। आपके शब्दों से पता चल रहा है कि 20 साल का एक्सपीरियंस तो आपके पास है। जम्मू में मैंने जब शुरू किया तो नो बॉडी कैन नो मेकअप क्या होता है, लोगों को शर्म आती थी बाहर निकलते हुए, लोग मेकअप का एक दुल्हन बस बड़ी मुश्किल से यहाँ से दुपट्टा ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, आज वो चीज़ नहीं है, आज वो पार्टी मेकअप्स हो रहे हैं, हर गैदरिंग में मेकअप्स हो रहे हैं, लोगों को समझ आ चुकी है, लोग एजुकेट हो, लोगों को समझ आ चुका है कि व्हाट इज़ मेकअप, मेकअप इज़ टू ब्रिंगिंग अप द फीचर्स, हमने अपने फीचर्स को दिखाना है, एक हमने ग्रूम होकर बाहर निकलना है, मेकअप इज़ नॉट ओनली अबाउट फैशन कि हम इसको फैशन का सिर्फ नाम देंगे, इट इज़ अबाउट ग्रूमिंग, हमें वो ग्रूम करना है। और मैं तो हमेशा हर किसी को ये बोलूँगा कि जैसे ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैंने देखा आज से 2006 और 7 में मॉडलिंग शो रुके थे, मैंने लास्ट मॉडलिंग शो 2007 में स्पॉन्सर किया था, मिस जी एंड के हुआ था और मिस्टर जी एंड के भी हुआ था, उसके बाद किसी वजह से वो स्टॉप हो चुका था बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन। अभी जाकर के वो एजुकेशन जागृत हुई है और NISD इज़ अ फर्स्ट प्लेटफॉर्म इन जम्मू जो कि लोगों को आगे बढ़ा रहा है। शुक्रिया साहब, हमने कहा कि ये शो था जो चंद घंटों में क्यों ख़त्म हो गया, सही कहा मैडम ने कि इसके पीछे बहुत मेहनत है, कई महीनों की मेहनत रहती है, और ये कॉम्प्लीमेंट हमारा उनके लिए था, हम इसको और देखना चाहते थे, इतना ज़बरदस्त। आप कहीं बाहर मेट्रो सिटीज़ में नहीं, जम्मू में थे, और ये सारा टैलेंट जम्मू का था। शुक्रिया NISD इस योगदान के लिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।